नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वरद विजय चव्हाण और मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों आज रिलीज हुई है सुपरस्टार रजनीकांत, सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, राणा रघुपति, फहद फासिल और मंजू वॉरियर स्टारर बेटा यानी ये मूवी। तमिल इसकी ओरिजिनल भाषा है लेकिन ये पैन इंडियन लेवल पे ये मूवी रिलीज हुई है। हिंदी में भी अवेलेबल है। पौने तीन घंटे की ये मूवी है और मैं कहना चाहूंगा वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि ये पौने तीन घंटे फील होते हैं बॉस। एक तो मेन थिंग ये है कि रजनीकांत सर की जो पहली मूवी आई थी जिसका नाम था जेलर, इसके पहले की मूवी, उसमें उसकी स्टोरी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने अपने सुपरस्टार को प्रेजेंट किया था, फैंस ने लिटरली वो सेलिब्रेट किया थिएटर में। चाहे वो स्लोमो शॉट्स हो, चाहे हैवी बीजीएम हो, ऐसा कुछ भी आपको इस मूवी में दिखाई नहीं देगा। और इसका मेन रीजन ये है कि इस मूवी के जो डायरेक्टर है यानी कि टी जे गनवाल सर, उन्होंने इसके पहले डायरेक्ट की थी जय भीम नाम की मूवी। अगर आपने जय भीम नहीं देखी होगी तो अभी के अभी तुरंत जाकर जय भीम इस मूवी को देखना, वन ऑफ द कल्ट इंडियन सिनेमा ऐसे हम कह सकते हैं। सो सुपर मूवी है जय भीम। अभी आते हैं फिर एक बार बेटे आन पे। सो टी जे सर ने रजनीकांत सर को एज अ सुपरस्टार प्रेजेंट नहीं किया है। एक खून होता है एक टीचर का जिसका रेप भी हुआ है, तो जिस प्रकार से एक सीनियर पुलिस ऑफिसर जिस प्रकार से उस इन्वेस्टिगेट करेगा, उसका इन्वेस्टिगेशन करेगा, ठीक उसी प्रकार से रजनीकांत सर भी इस मर्डर मिस्ट्री का, इस रेप का इन्वेस्टिगेशन करते हैं, यानी कि फिंगरप्रिंट्स निकालो, सीसीटीवी खंगालो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सॉरी, दूसरी तरफ है अमिताभ बच्चन सर, जिनकी एक थ्योरी है कि जस्टिस हरिड इज जस्टिस बरीड, और रजनीकांत सर की थ्योरी है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आप दोनों ही थ्योरी से कनेक्ट कर सकते हो। इंटरवल तक आपको लगेगा कि मूवी खत्म हो चुकी है, लेकिन इंटरवल में एक बड़ा ट्विस्ट आता है, सो जिसकी वजह से वो ट्विस्ट वर्क करता है। एक बात तो है उसमें, सो ट्विस्ट वर्क करने के कारण आपकी क्यूरियोसिटी सेकेंड हाफ में भी बढ़ती है। लेकिन इस मूवी का सेकेंड हाफ इतना प्रेडिक्टेबल हो जाता है, अगर आपने किसी भी साउथ इंडियन मूवीज को देखा होगा तो आप ये मूवी स्टार्ट टू एंड आराम से प्रेडिक्ट कर सकते हो। ओवरऑल मैं कहूंगा कि वन टाइम वॉच ही है ये मूवी। ज्यादा कुछ आप एक्सपेक्ट मत करना, ना ही रजनीकांत सर को आप सेलिब्रेट कर पाओगे एज अ सुपरस्टार, एज अ भगवान। बीच बीच में एक दो एक्शन सीक्वेंसेस है जहां पे उनका वो ओरिजिनल फॉर्म में वो आ जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम रजनीकांत सर को डायरेक्टर टी जे सर ने काफी कंट्रोल किया है और उन्हें एक नॉर्मल एक्सपीरियंस पुलिस ऑफिसर की तौर पे हमारे सामने उन्होंने प्रेजेंट किया है, ना कि एक सुपरस्टार इंस्पेक्टर की तौर पे। सो आप इस मूवी में क्या एंजॉय करोगे? एक तो वो गाना जो है मसल्ली वाला, वो तो काफी फेमस हो चुका है, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, हर जगह पे वो छाया हुआ है। लेकिन अमिताभ बच्चन सर और रजनीकांत सर जो 33 साल बाद फिर से क्लैश होने वाले हैं, उनका जो फेस ऑफ है ये तो आप निश्चित तौर पे एंजॉय करोगे। बाकी मैं कहूंगा कि मूवी ओके ओके है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इन चार जनों को, यानी कि रजनीकांत सर, अमिताभ सर, राणा सर, फहद फासिल सर, इनको आप बड़े पर्दे पे देखना चाहते हो तो इस मूवी को देखना, और ये दिमाग में रखना कि ये मूवी 3.75 घंटे की है, सो वो ये अपने को लगने वाला है इतना लेंदी मूवी। ओवरऑल आई थिंक मैं इस मूवी को दूंगा 5 में से 3 स्टार। बाकी अगर आपने ये मूवी देखी होगी और आपको मेरे ओपिनियन से आप सहमत हो या फिर नहीं हो, ये कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो याद से वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।